अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है स्पाइसी चिकन पुलाव। सो इफ यू लाइक द रेसिपी, कीप ऑन वॉचिंग। वेलकम टू देसी बर्ड देसी, चाह खाना करे क्रेजी। वेलकम टू देसी बर्ड देसी, यहाँ रेसिपीज बनाते आप कूल जो क्रेजी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम प्याज, इसको हमने थिनली स्लाइस कर लिए। 3 बिग साइज टमाटर, इसको हमने पेस्ट बना लिए। 700 ग्राम चिकन, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून मिर्ची का पाउडर, 3 ग्रीन चिली, 5 लौंग, 10 होल ब्लैक पेपर, 2 भरी इलायची, 2 स्टार एनीस, 2 सिनेमन स्टिक। इस पुलाव में हम एक चीज़ डिफरेंट डाल रहे हैं, जो कि मैगी का सूप का पैकेट है। इससे बहुत ही टेस्टी और सूपी टाइप पुलाव बनते हैं। ये हम 1 पैकेट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो आप चिकन ना भी डालें और सिर्फ वही पैकेट डालें, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव का। पॉट के अंदर हम पहले डालेंगे 1/2 बॉल घी। नेक्स्ट हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। जब मसाला पकने लगे तो हम इसके अंदर नमक मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक प्याज गल ना जाए। मसाले से घी निकल आया है, अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर भरी इलायची, सिनेमन स्टिक और स्टार एनीस डाल देंगे, लौंग एंड ब्लैक पेपर। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसके अंदर 3 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर पैकेट वाली नूडल्स डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आपने और स्पाइसी करना है तो आप इसके अंदर और ग्रीन चिली डाल सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे जब तक थोड़ा पानी ना रह जाए, फिर हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे। We are in Daisy Bird Daisy, living in the desert of the heartbeat Daisy. We make the food to a magic show. Make your kitchen spicy disco. Let's go. Don't forget to like, share, and subscribe.